मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार के पास शराब के नशे में चूर कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में गणेश मालिक नाम के शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना से नाराज लोगों ने ड्राइवर को पेड़ में बांधकर जमकर पीटा। लोगों ने कार में भी तोड़फोड़ की। सड़क पर टायर जलाकर नाराज लोगों ने गुस्से का इजहार किया। वहीं ड्राइवर को बचाने आई पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, जिसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस सड़क हादसे में जख्मी मृतक की पत्नी और पोते को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। नियंत्रित होकर के आया, उनको ठोक दिया, उसके साथ साथ बकरी भी मर गया। गणेश मलिक भी स्पॉट पर। क्या उम्र उनका? 60 वर्ष होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग चाहते हैं? जो उनका होना चाहिए, उचित जो होना चाहिए, जुर्माना जो होना चाहिए और उनका लाश के साथ जो होना चाहिए वो कर दीजिए। पुलिस प्रशासन से यही हम लोग का निवेदन है। वहीं टाउन डीएसपी मुकुल रंजन ने कहा कि पीड़ित परिवार को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही आरोपी ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। एक व्यक्ति को धक्का मार दिया है, व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। उसके साथ 2 लोग और बैठे हुए थे, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ के रखा हुआ है। पुलिस तुरंत पहुंची यहाँ पे, लोगों को समझाया, लोग अभी शांत है और जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ड्राइवर तो जेल जाएगा ही, बाकी जो मुआवजा का प्रावधान है जो उसको हम लोग अभी कराएंगे। थैंक यू सर। पुलिस को नशे में धुत ड्राइवर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।